लौह नगरी जमशेदपुर में दुर्गा पूजा की धूम देखते ही बन रही है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण दुर्गा पूजा का रंग फीका पड़ गया था, लेकिन इस वर्ष मां दुर्गा के आशीर्वाद से धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। जमशेदपुर में कई सुंदर और आकर्षक दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए हैं। पंचमी तक ज्यादातर पूजा पंडालों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। शुक्रवार को परसुडी थाना क्षेत्र के बारीगोड़ा में श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा निर्माण कराए गए भव्य पूजा पंडाल का जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने विधिवत उद्घाटन किया, जिसके बाद पंडाल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। वहीं विधायक ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर देश और राज्य की खुशहाली की कामना की। आपको बता दें कि यहां 1960 से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष कमेटी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के थीम पर करीब 5 लाख की लागत से पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है, जो क्षेत्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता दुबराज नाग ने कहा कि सभी के सहयोग से पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है और मां से यही कामना है कि देश और राज्य में खुशहाली हो और सभी मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहें। उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से कमेटी के अध्यक्ष दुबराज नाग, जिला परिषद सदस्य कुसुम पूर्ति, झारखंड युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बब्बन राय, मुखिया सुनीता नाग एवं और भी कई गणमान्य लोग शामिल थे। कहेंगे दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन के मौके पर। दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन के मौके पर ही कहेंगे, क्योंकि कोरोना काल के बाद आज ये मौका मिला है माँ की कृपा से कि हम लोग शांतिपूर्वक आज दुर्गा पूजा मना रहे हैं। माँ से कामना है कि सभी को सुख संपत्ति दे, शांति दे, अमन चैन दुनिया में आए और सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर इस दुर्गा माँ का आशीर्वाद लें। इससे बस पड़ाव बनने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के लोगों को बहुत सारा सहूलियत होगा और माता रानी से यही मैं कामना करता हूँ कि हमारे जुगसलाई विधानसभा के सभी लोगों को आशीर्वाद दे, सभी फले फूले, सभी सुखी शांति सभी को प्राप्त हो, यही कामना। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।